एक प्यो बड़े चावां ते लाडां नाल अपनी धी नूं व्याह के तोरदा है अते अपनी पूरी वाह ला दिंदा है ते सोचदा है मेरी धी सहुरे जाके सुखी वसेगी। दूजे पासे ओह धी जो अनेकां सदना लैके जांदी है कि मेरा पति हर दुख सुख विच उस दे नाल खड़ेगा। यह मामला गुरदासपुर दा है। ए वीडियो सोशल मीडिया ते तेजी नाल वायरल हुई है। जिला गुरदासपुर दे पिंड छोड़ियां दी यह वीडियो औरत दी बुरी तरह नाल कुटमार कीती जो कि सिविल हस्पताल दे विच दाखल है। पीड़ित औरत अजे उसकी माँ ने दसिया कि दाज दहेज पिछे उसकी अक्सर कुटमार कीती जांदी है। मेरी बेटी के नाल बहुत अत्याचार हुई है, इन बहुत मार कटाई की गई है, बहुत बुरी तरह के नाल इनू बालों तो धो के लै के सारी गली च घुमाया। ये डरती अपनी मासी वाल जाके चलेगी, उधरों जाके बालों बालों तो धो के लिया, पहला घर च माँ ने तो ये घर वाले ने भी कुटिया, डरती उधर चल गई उधरों बालों तो धो के लिया, सारी गली च धोया, पूरी दुनिया अपने अंदर च वड़ गई, कोई भी नहीं लड़ा। जिन्हों के घर गई मासी के उन्हें भी लड़ाई तो डरती ने बाहर इन कंढ के कुंडा ला लिया, फिर जो ज्यादा इन वालों तो धो के लिया, फिर यद मासड़ आया इन छुड़ाने वास्ते तो वे भी हथी पिया वो, तो बहुत बुरी तरह के नाल जिदे बुरी हालत यदि हुई है। यही मंग करती हूँ कि मेरा घर वाला भी दिमागी हालत तो ठीक नहीं है, मेरा बच्चा छोटा, मैनू इंसाफ चाहिए कि मेरी बेटी गरीबी दा विच मैं व्याही ही, तो मैनू इंसाफ चाहिए कि मेरी बेटी ने मार भी सकते इस तरह। मैं तो मेरा बेटा तो पंचायत मैंबर गए से इनू उतों लैके आए हैं, जो असी इनू लैन वास्ते गए तो अं आख्या भी नाल ही बच्चे लैके जाने, तो बच्चे उन्होंने साढ़े हाथों चो खोए, बच्चे खोले है तो इनू कल फिर अं लैके आए हैं, इनू कल लैके आए हैं तो इतने लिया के सिविल होस्पिटल धारीवाल से असी एडमिट करता, तो अभी हूँ यदा इतने इलाज चलेगा। मेरी ये प्रशासन के अगे बेनती हाथ जोड़ के कि मैं तो बहुत गरीबनी हाँ, तो मेरा बेटा भी छोटा, इंसाफ चाहिए। अज मेरे हसबेंड ने मेरी बड़ी बुरी तरह खाट कुट की, वाला तो धोया वा खिचया वा और लत्तां मारियां ढिड च, होर भी काफ़ी ज़्यादा मेरे मार कुटाई की, चपड़ा चपूड़ा मारिया उन्होंने, बड़ी बुरी तरह मार कुटाई की है, क्योंकि मेरी सस मेरी ननान कहती है कि दाज लैके आ अपना, और मेरिया तीन बेटियां भी आ वह भी मेरे को उन्होंने खोलिया वा, क्योंकि कहते बच्चे हाड़ी आ। घर वाले ने मैंने बहुत ज़्यादा मारिया कुटिया वा, मेरे ना बहुत ज़्यादा जुल्म होया वा, मैं ये चाहनी हाँ मैंने इंसाफ दिता जाए, दाज मंगते मेरे सहुरा परिवार ननान सस सहुरा पति। अज मेरी मम्मा और मैंबर गए थे धारीवाल संगर तो उन्होंने मैंने जान बचाई उतों खड़ लिया के मैं कुटमार की सहुरा परिवार ने, तो इस संबंधी अं लड़की के कोल आए हाँ, लड़की ने कहा भी मैं अजे बयान नहीं अपना लिखा, तो सुबह तुम अपना बयान लिखावे जो भी कार्रवाई है बयान के मुताबिक आने लग जाए। सट्टा तो बलंट आई, तीन सट्टा बलंट आई। हाँ जी घरवाले ने नहीं जी आपस में इन्हों मियाँ बीबी का पहला साढ़े को अज तक आई नहीं जी। हाँ हाँ जी हाँ जी रिटर्न एमएलआर आ गई है जी, इन्हों की वो मुताबिक जी कार्रवाई बनेगी, लड़की जो बयान लिखाएगी मुताबिक कार्रवाई कर देंगे। कहने जमाना जरूर बदल गया पर आए दिन दाज की बलि चढ़ रही पंजाब दियां धीआं दियां मूँह बोल दियां तस्वीरां कुछ होर बयान कर दियां ने। पढ़िया लिखिया जमाना दस्या जांदा है पर सोच अज भी उही है, आखिर कदों लोकां दे विच दाज दहेज की लालसा खत्म होवेगी। हकीकत टीवी पंजाबी लई गुरदासपुर तो अवतार सिंह की रिपोर्ट।